विदिशा में पीएम जनमन योजना के संबंध में समस्त पटवारी सचिव रोजगार सहायक की बैठक दोपहर 1:30 बजे के करीब तहसील प्रांगण स्थित पटवारी सभाकक्ष में आयोजित की गई, जिसमें अनुभाग बासोदा में उक्त योजना के अंतर्गत शासन निर्देशानुसार कार्रवाई शीघ्र पूर्ण किए जाने को लेकर निर्देश दिया गया है। साथ ही वरिष्ठ अधिकारी से जो है प्राप्त दिशा निर्देश अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारियों को प्रदान किए गए। बैठक में अनुविभागीय अधिकारी बासोदा, तहसीलदार बासोदा और साथ ही तुंदा मुख्य कार्यपालन अधिकारी और साथ ही अनुभाग के अंतर्गत कार्यरत पटवारी और साथ ही रोजगार सहायक सचिव आदि उपस्थित रहे। सर, जो आज बैठक थी, बैठक किन निर्णयों पे हुई यार? आज विभिन्न विषयों को लेकर के गंज बासोदा के पटवारी सभागृह में एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें पीएम जनमन योजना की समीक्षा, अभी वर्तमान में ग्रीष्म काल ऋतु को देखते हुए पेयजल की समस्या इत्यादि विषयों पर चर्चा हुई, जिसमें मेरे SDM के साथ ही विभिन्न तहसीलदार, तहसीलदार त्योंदा, तहसीलदार बासोदा, अतिरिक्त तहसीलदार उदयपुर और अम्बानगर, साथ ही CO जनपद, SDO PHE, अन्य कई विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। इसमें पेयजल को लेकर के सभी ग्राम पंचायत, रोजगार सहायक, सचिव, पटवारियों को निर्देशित किया गया है कि जो हमारे यहाँ हमने 38 ग्राम पेयजल संकट या पेयजल समस्या से जूझते हुए हम लोगों ने सेलेक्ट किए हैं, उसमें क्या वैकल्पिक वहाँ व्यवस्था की जा सकती है, उसका वो रोड मैप 2 दिवस में बनाएं और 2 दिवस में हमको रोड मैप उपलब्ध कराएं, ताकि हम उसमें आवश्यक व्यवस्था कर सकें। यदि वहाँ कोई वैकल्पिक बोर या कोई निजी बोर होता है जिसको अधिग्रहण किया जाना है, तो उसकी भी वो जानकारी बताएं। यदि परिवहन किया जाना है तो उसका भी वो असेसमेंट करें, ताकि प्रशासनिक रूप से आवश्यक कार्रवाई इसमें की जा सके। साथ ही पीएम जनमन में जो आवास योजना है, जो जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, समग्र ID, आयुष्मान कार्ड इत्यादि जो शहरिया कम्युनिटी के बनाने हैं, उसके संबंध में भी हम लोगों ने समीक्षा की, जिसमें कुछ ग्राम पंचायतों में जहां पिछड़ापन है, जहां अभी प्रगति सही ढंग से नहीं हुई है, वहां के सचिव, रोजगार सहायक और पटवारियों को निर्देशित किया कि वे 7 दिवस में 100% कार्य करें और कार्य करके हमको अवगत कराएं, जिससे कि रिपोर्टिंग ऊपर की जा सके। जैसा कि पूर्व में कहीं कहीं शिकायतें आती है, इसकी विधिवत जांच जिला पंचायत CO साहब के माध्यम से टीम गठित करके की जाती है। जहां पे लापरवाही या भ्रष्टाचार जैसी चीजें पाई जाती हैं, तो उनके माध्यम से उसमें कार्रवाई होती है। कहीं शिकायतें हमारे स्तर पर आती है, तो हमारे माध्यम से भी जाँच कराई जा करके जिला पंचायत CO साहब को इसकी रिपोर्टिंग की जाती है।